वहीं विधानसभा में पेश हुआ है राजस्थान सरकार के बजट पर। बिलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ने खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि यह बजट विकास को समर्पित है और इस बजट से प्रदेश में लगातार विकास की गंगा जो है वो बहती हुई नजर आएगी। इसी के साथ साथ अग्रवाल ने कहा है कि बजट में बिलवाड़ा को भी विशेष स्थान देकर जिले का मान बढ़ाया गया है। बिलवाड़ा के टेक्सटाइल उद्योग को एक नई टेक्सटाइल नीति देकर औद्योगिक विकास की एक नई गति प्रदान की गई है। साथ ही कहा है कि बिलवाड़ा से जयपुर के लिए एक नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी घोषित किया गया है, जिससे बिलवाड़ा से जयपुर के लिए मार्ग सुलभ एवं सुगम हो सकेगा। तो ये तमाम घोषणाएं जो है ये की गई है। वहीं अग्रवाल ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने शहरों की ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 150 करोड़ रुपए पास किए हैं, जिससे राज्य में सड़कों पर ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगी। सांसद ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री वित्त मंत्री दिया कुमारी का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने राजस्थान के त्वरित विकास की नई राह खोली है। आज के इस बजट में भीलवाड़ा जयपुर को नया ग्रीन फील्ड हाईवे मिलना बहुत बड़ी घटना है। आज के बजट में नगर परिषद को नगर निगम में क्रमोन्नत करना भीलवाड़ा में एक ऐतिहासिक घटना है। अब हमारे नगर परिषद सभापति नगर महापौर कहलाएंगे, ये छोटी घटना नहीं है। उसी अनुसार बजट आएगा, उसी अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। एमएसएमई के लिए और वस्त्र उद्योग के लिए अलग से पॉलिसी बनाना बहुत बड़ी घटना है। इससे विकास को और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को और अदर इंडस्ट्रीज को ताकत मिलेगी। हमारे आज के इस बजट के घोषणा में सवाई भोज मंदिर का सौंदर्यकरण, हमीरगढ़ भीलवाड़ा में फ्लाइंग स्कूल का यानी हवाई पट्टी पर उद्घाटन, एक तरह से उसकी शुरुआत, गुलाबपुरा में महाविद्यालय, जहाजपुर में कन्या महाविद्यालय, मांडलगढ़ में जहाजपुर में उप जिला चिकित्सालय, बिजोलिया को नगर पालिका में क्रमोन्नत करना, और सबसे बड़ी बात इस पर मैं आपका ध्यान चाहता हूँ, माही बेसिन से भीलवाड़ा के बांधों को भरने के लिए 7,100 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम करने के लिए 30 करोड़ डीपीआर के लिए स्वीकृत हुए हैं। ये भीलवाड़ा के जलस्तर को, भीलवाड़ा के किसानों को, उनके जल की सीर को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा उपक्रम साबित होगा। इसी प्रकार से हरिपुरा से देवगढ़ 4 लेन का निर्माण और मानसरोवर झील का पुनः विकास और आरसी व्यास में कन्वेंशन सेंटर जैसे महत्वपूर्ण कार्य आज के बजट के अंदर स्वीकृत हुए हैं, प्रस्ताव आए हैं। मैं समझता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भीलवाड़ा की आवाम को, मुझे, विधायक महोदय को और यहां के सभापति सहित तमाम जनप्रतिनिधियों, हमने जितनी मांगे उनके सामने रखी हैं, लगभग 100% मांग को स्वीकृत करके भीलवाड़ा के लिए बहुत बड़ा उपहार दिया है।